गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे। आज आप क्लास एट्थ के लिए ध्वनि चैप्टर, जो इसके जो अभ्यास प्रश्न है, इसके प्रश्न उत्तर रह गए, वो कर रहेंगे आज। और पिछले वीडियो में मैंने कविता पढ़ी और उसके भावार्थ को समझा। अब अपन जो है इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। और प्रश्न उत्तर सबसे पहला है, कवि अपने कविताओं कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अभी अंत नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह युवा पीढ़ी आलस्य से उबारना चाहता है। चूंकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरह युवाओं के मन में जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? मतलब फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास कर रहा है? फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है और उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्वर्ण भरा हाथ फेरकर उसे पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में कवि अपने काव्य रचना से युवकों को उज्ज्वल भविष्य की दरवाज़ा दिखा देने की बात करता है। आप इस वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हैं इसके आंसर, और यूं बुक सेट आ गया है तो बुक के माध्यम से आप इसके आंसर भी कर सकते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देना चाहता है। माइक हट गया, बात बनी नहीं। बैटरी भी गई पूरी मेरे। हिल जाती। एक तो गर्मी देखो, लाइट गई जो। हाँ, अरे बहुत शुद्ध हवा है। मैं आज बढ़ा दी 25 दी। कभी आप लोग थक जाओगे ना तो मेरे जाएंगे। How are you?